तो सो भाई लोग भाई सबका वीडियो देख के भाई थक चुके हो। अभी तक भाई कोई रियल तरीका नहीं बताया कि भाई आखिर भाई फेस व्हाइट एंड फेस स्मूथ होता कैसे है। भाई सब बकवास करता वीडियो में, भाई मैं सभी का वीडियो देखा था भाई, सब बकवास करता है, कोई सही तरीका नहीं बताता कि भाई आखिर फेस स्मूथ एंड फेस व्हाइट करे तो करे कैसे, और वो भी भाई आसान तरीका से, उतना झंझट भी नहीं, ठीक है ना। तो भाई तुम्हारा भाई अभिषेक भाई सिखाएगा कि आप लोग फेस स्मूथ एंड फेस को गोरा और व्हाइट कैसे कर सकते भाई बहुत कम समय में, ठीक है ना। और भाई ये वीडियो भाई बहुत अच्छा होने वाला, सबसे खतरनाक होने वाला है, और भाई जिस भाई को सीखना ना वही भाई इस वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है ना। और भाई जिसको नहीं सीखना वो अभी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम लोग सीधा चलते अपने वीडियो की ओर एंड भाई आप लोगों को सिखलाते हैं एंड आप लोगों को सिखलाते। तो सो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो, भाई यहाँ पे देख सकते हो हेयर एंड यहाँ पे फेस स्मूथ कितना एकदम गजब तरीका से हुआ है। एंड यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर, भाई यहाँ पे देखो कितना गंदा पिक है हमारा बिफोर वाला। तो चलो भाई एडिटिंग सिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले अपने पिक को, जो ओरिजिनल वाला पिक होगा ना, उसको भाई शेयर कर लेना अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में। कहाँ पर शेयर करना है? लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो भाई यहाँ पे मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई ये प्रीसेट है, ठीक है ना। ये हमारा फोटो है एंड ये हमारा प्रीसेट है, और भाई इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। उस लिंक पे आप लोग टैप कीजिएगा एंड टैप करने के बाद आप लोग इस प्रीसेट को भाई आसान तरीका से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना आप लोगों को। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में इस प्रीसेट को इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको भाई कॉपी सेटिंग कर लेना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कॉपी सेटिंग हो गया है। एंड कॉपी सेटिंग होने के बाद यहाँ पे अपने ओरिजिनल वाले पिक पे थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर भाई कितना गोरा हो गया। अभी भाई अभी तो भाई ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी और गोरा करेंगे और वाइट करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस पिक को भाई सेव कर लीजिएगा अपनी गैलरी में। तो यहाँ पे जैसे कि सेव हो रहा है एंड आप लोग भी सेव कर लीजिएगा। एंड सेव करने के बाद भाई हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे सीधे स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, स्केचबुक एप्लीकेशन के ओको, ठीक है ना, जिसे ऑटोडेस्क स्केचबुक बोला जाता है। एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको डिस्कार्ड करंट स्केच पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे डिस्कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपने पिक को क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके न्यू फॉर्म गैलरी पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने पिक को भाई क्या करना है, यहाँ पे इनपुट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पिक को भाई इनपुट कर लेना, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो भाई हमारा पिक इनपुट हो गया एंड आप लोग भी कर लीजिएगा। एंड अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग भाई यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद हम लोग ये एक लेयर बन जाएगा, इसी लेयर पे क्लिक कर देने का। एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भाई हम लोग सॉफ्ट लाइट रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट रख लेंगे, ये हार्ड लाइट नहीं रखना, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट रखना, ठीक है ना। इसको रखना है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, ओके, सॉफ्ट लाइट। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पे नीचे में आप लोगों को कुछ दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो कुछ, यहाँ पे आप लोग इस पे क्या कीजिएगा ना, टैप कर दीजिएगा, एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर देना एंड भाई आपको जहाँ ज़्यादा वाइट लगे ना आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मुझे नाक के पास लग रहा है सेलेक्ट, मतलब ज़्यादा वाइट लग रहा है, तो यहाँ पर मैं नाक के पास कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं देखो कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया सेलेक्ट। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड भाई एकदम रियल तरीका बता दे, ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड भाई आपको ये वाली ब्रश को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जैसे कि ये ब्रश को सेलेक्ट किया हूँ एंड आप लोग भी इसी ब्रश को सेलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हो इसका सेटिंग कुछ नहीं रहता, ठीक है ना, साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड यहाँ पर अपने फेस पर क्या करना है भाई, अप्लाई करना है भाई। इसका काम क्या होता है, फेस स्मूथ करने में भाई कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। कहीं पर अगर काला धब्बा आ जाता है तो आप लोग बोलते हो कि भाई काला धब्बा आ जाता है, ठीक है ना। तो भाई आप लोग ये काम कर लिया करो, फिर आपका भाई कितना भी मतलब काला रहे फोटो तो आपका भाई फेस मतलब फेस स्मूथ अच्छा से होगा और कहीं पे भी काला धब्बा नहीं आएगा, जैसे कि भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे भाई कुछ नहीं है, अभी और वाइट करते हैं एकदम मस्त तरीक़ा से। यहाँ पर आपको एक बार और वाइट करके दिखाते हैं
कि भाई मैं कैसे करता हूँ अपना पिक एडिट और आप लोग कैसे कर सकते हो। और इसी पे क्लिक करके आप लोग इसको हल्का सा कम कर लीजिएगा अपने फ़ोटो के हिसाब से। एंड यहाँ पे मर्ज कर देना। एंड मर्ज करने के बाद यहाँ पे अगेन अब हम लोग दोबारा यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। एंड इसका भी ब्लाइंडिंग मोड भाई हम लोग सॉफ्ट लाइट ही रख लेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग पहले रखे थे। एंड अब की बार भाई कलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो अब की बार भाई कलर पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वाइट को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। एंड वाइट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भाई वही ब्रश लेना, ठीक है ना, जो हम लोग फर्स्ट टाइम लिए थे। एंड यहाँ पे अपने फेस पे जैसे हम लोग वहाँ पे अप्लाई किए थे ना एक बार, वैसे ही आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई आप लोग भी कुछ इसी टाइप से यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा एकदम मस्त तरीका से। यहाँ पे मैं जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे भाई आप फेस स्मूथ करेंगे ना तो भाई कहीं पे भी काला धब्बा और भाई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे काला धब्बा का। और आप लोग इसको हल्का सा कम कर लीजिएगा एंड यहाँ पे मर्ज कर देना, ठीक है ना। अब देखो भाई फेस कितना वाइट एंड गोरा हो गया। अब हम लोग भाई फेस अपना स्मूथ करेंगे ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे मैं जो ब्रश भाई बता रहा हूँ एंड दिखा रहा हूँ, आप लोग उसी ब्रश को क्या कीजिएगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं ये ब्रश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड ये दूसरा ब्रश भाई सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना, इसे भी देखते हैं। बाकी तो भाई आप लोग यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे क्लिक कर देना। एंड भाई इसको क्या करना साथ रखना, एंड इसको भाई कुछ इस टाइप से यहाँ पे 11 रख लेना और साइज अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक, रख लेने का, ओके। एंड यहाँ पे आपको इतना काम करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे, अरे यार ये तो दूसरा ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट हो गया भाई, आपको ये वाली ब्रश को सिलेक्ट करना, वो वाली नहीं, ठीक है ना। एंड इसका सेटिंग यहाँ पे आपको 7, ठीक है ना, कुछ इसी टाइप से रख लेना। यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग भाई अपना फेस को अच्छा से जूम करके यहाँ पे स्मूथ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में भाई कितना एकदम गर्दा तरीका से फेस स्मूथ हो रहा है। और भाई मान के चलो अगर काला धब्बा आ भी जाता है हमारे फेस पे तो क्या करें, कैसे हटाए। तो भाई सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, अपना फेस को अच्छा से स्मूथ कर लीजिएगा। एंड स्मूथ करने के बाद मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आप लोग भाई कहीं पर अगर काला धब्बा आया होगा और मोटापन आ गया होगा फेस पे और अच्छा से नहीं हो पाया, तो भाई मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे पहले आप लोग अच्छा से यहाँ पे अपना फेस को अच्छा से पहले स्मूथ कर लो। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप मतलब कितना जहर तरीका से यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, नहीं तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। एंड भाई आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो एक ट्रिक बताता हूँ, एक एप्लीकेशन होगा रिमनी एप्लीकेशन, ठीक है ना। रिमनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आप लोग मतलब अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग रिमनी एप्लीकेशन अपने फोटो पर चला लेना, ठीक है ना। तो भाई आप देखना कि कितना खतरनाक एडिटिंग हो जाएगा। तो भाई थैंक यू सो मच भाई, एक लाइक एक कॉमेंट एक